हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द लॉज ऑफ़ स्कूल्स हम बात कर रहे थे डिफरेंट स्कूल ऑफ़ लॉज तो आज हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल लॉ स्कूल की देखिए हिस्टोरिकल लॉ स्कूल जो है ये कंसिडर uh, करता है हिस्ट्री को एज द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ठीक है और ये एम्फेसाइज करता है हिस्टोरिकल इवेंट्स को इन द स्टडी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर्स ऑफ हिस्टोरिकल लॉ लॉ क्या है लॉज आर द्रिएशन ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द लोकल सिचुएशन एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल मतलब जिस जिस तरह से लोगों की कंडीशन्स होंगी जैसे जैसी कंडीशन और सिचुएशंस डेवेल्प करेंगे उसी उस तरह से जो लॉ है वो डिवेल्प करेगा ये क्या कहता है और लॉ शुड कन्फर्म टू द लोकल नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ द सोसाइटी मतलब जो भी लॉ है वो लोगों की फीलिंग्स और लोगों की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए और ये जो ने हिस्टोरिकल लॉ स्कूल है ये एक तरह से रिएक्शन की तरह डेवलप हुआ अगेंस्ट द नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिविस्ट लॉ एंड एम्फेसाइज दैट इराशनल रेशियल एंड एवोल्यूशनरी कैरेक्टर ऑफ लॉ ठीक है कई ऐसे फिलासफर्स हैं जिसने इस आइडिया को एडवोकेट किया जिसमें एक थे फ्रेडरिक कार्ल वॉन्सविग्नी जिनका uh, जो बर्थ था ट्वेंटी फर्स्ट फेब्ररी सेवनटीन सेवनटी नाइन में हुआ ही वॉज अ रिस्पेक्टेबल एंड इन्फ्लुनशियल जूरिस्ट एंड हिस्टोरियन ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी एंड इज कंसिडर्ड एज द मेन जर्मन एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल लॉ स्कूल और उन्होंने क्या कहा ही दैट द नेचर नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द पीपल किसी भी लॉ किसी जगह का लॉ जो है वो वहाँ के लोगों की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है दिस वॉज लेटर करेक्टराइज बाय बाद में इसको वोस जेस्ट का नाम दिया गया ठीक है जर्मन वर्ड है जिसका मतलब हुआ स्पिरिट ऑफ द पीपल इसके बाद और जूरिस्ट हैं एक और जूरिस्ट हैं जर्मन जूरिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक पुचटा ठीक है उन्होंने फिर इसके अलावा जो ये इन, इनकी क्लासिफिकेशन थी आ, सिविगनी के अलावा पुनचटा ने क्या कहा सेट दैट देर आर नोटेबल सर्टन नोटेबल फीचर्स ऑफ स्विगनीज हिस्टोरिकल लॉ स्कूल ऑफ जोर स्टूडेंट्स और उसको उन फीचर्स को उन्होंने पॉइंट्स में इस तरह से हाईलाइट किया जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो लॉ है लॉ शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन स्पिरिट ऑफ द पीपल एंड देर कस्टम लॉ क्या होना चाहिए कॉमन स्पिरिट होनी चाहिए उन लोगों की कस्टम्स और ट्रडिशन्स की जो वहाँ पर रहते हैं दैन लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल पूरी दुनिया में एक ही जैसा लॉ होगा ऐसा नहीं है एक ही जैसा नहीं होता लॉ इट इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर सोसाइटी सोसाइटी टू सोसाइटी लॉ वेरी कर सकता है ठीक है और वो लैंग्वेज के साथ भी वो वेरी कर सकता है सिमिलरली लॉ इज़ नॉट स्टैटिक ऐसा नहीं है जो लॉ एक बार बन गया वो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा इट इज़ इट हैज इट हैज रिलेशनशिप विद डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी जिस तरह से डिवेलप होती है सोसाइटी उसी तरह से लॉज भी बनते बिगड़ते रहते हैं दैन लॉ इज़ नॉट गिवन बाई अ पोलिटिकल सुपीरियर जैसा पहले कहा गया एनालिटिकल स्कूल में पॉजिटिविज्म में कि जो लॉ है इट इज़ अ कमांड ऑफ द सॉवरन ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस्टोरिकल लॉ स्कूल द इट इज़ फाउंड और गिवन बाई द पीपल ये लोगों को बनाते हैं या लोग इसको क्रिएट करते हैं फिर इसके अलावा और जो लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उनमें हैं हैंनरी जेम्स समनर मेन ही वाज अ ब्रिटिश यूरिस्ट एंड अ लीगल हिस्टोरियन हु पायन एट द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव लॉ प्रमेटिव लॉ एंड एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंट्स एंड इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरिकल लॉ स्कूल वो जर्मनस थे ये ब्रिटिश हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के एक मेन प्रपोनेंट हैं एंड ही वॉज प्रोफेसर ऑफ सिविल लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ही वॉज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया

मेन एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ लॉ टू प्लेस ग्रेजुअली इन द वेरियस स्टेजेस अंडर द स्टैटिक सोसाइटी इन द फॉलोइंग सिक्वेंस कि जो लॉ है वो किस तरह से डेवलप हुआ सबसे पहले डिवाइन लॉ आया ठीक है जिसको लॉ ऑफ गॉड या थेमिस जजमेंट ऑफ गॉड गॉडस ऑफ जस्टिस कहा जाता है फिर उसके बाद कस्टमरी कस्टम्स और प्रीस्टली क्लास जो थे उन्होंने लॉ को डिफाइन करना शुरू किया उसके बाद जो है एरा ऑफ क्वालिफिकेशन शुरू हुआ तो हाउ एवर इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी लॉ इवॉल्व थ्रू थ्री डिफरेंट स्टेजेस उन्होंने कहा कि, कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसमें लॉ तीन डिफरेंट स्टेजेस से जो लॉ है वो इवॉल्व होता है पहला फ़िक्शन होता है ठीक है फिक्शन मतलब सब कुछ जो इमेजिनरी है उसके बाद इक्विटी ठीक है उसके बाद इक्विटी मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एंड देन लेसलेशन ठीक है फिर जो है लॉ जो है वो लेजिस्लेशन के थ्रू बनता है ठीक है तो दिस इज़ वॉट हिस्टोरिकल लॉ स्कूल इज ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल लॉ की लॉ स्कूल की क्रिटिसिज्म नहीं हुआ देर आर वेरियस क्रिटिसिज्म विच आर लेविड अगेंस्ट द हिस्टोरिकल लॉ स्कूल जैसे कि ऐसा कहा जाता है एज एज फार एज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द हिस्टोरिकल लॉ स्कूल गोस कि ये जो हिस्टोरिकल लॉ स्कूल है ये काफ़ी वेग है पेरोल है और अनसाइंटिफिक अप्रोच है इसमें ठीक है और यहाँ पर एक छोटा सा एड ऑन है आपकी बुक में इट टॉक्स अबाउट थेमिस द ग्रीक गॉडेस ऑफ जस्टिस एंड वॉज कंसिडर द एम्बॉडीमेंट ऑफ़ डिवाइन ऑर्डर और लॉ एंड कस्टम तो थेमिस को न्याय की देवी माना जाता है ग्रीक गॉडेस हैं ये और इन्हीं की इमेज एक तरह से वो बनाई जाती है जो आप देखते हैं कि एक हाथ में एक स्केल है और दूसरी हा, हाथ में एक स्वॉर्ड है और ब्लाइंड है थेम इज सिग्निफाइड डिवाइन लॉ इन द प्लेस ऑफ ह्यूमन ऑर्डिनेंस. शी वाज़ द गॉडेज ऑफ डिवाइन लॉ एंड सैटाइड जियस द फादर ऑफ गॉड्स टू ऑल ऑफर एडवाइस शी वाज़ कंसीडर्ड द डिवाइन वॉइस हु फर्स्ट इंस्ट्रक्टेड मैन इन द प्रीमियर लॉ ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी. तो ऐसा कहा जाता है कि जो वो राज्यसभा थी वहाँ वहाँ की राज्यसभा या राज्यसभा कह सकते हैं ग्रीक गॉड्स की और जो फादर ऑफ गॉड्स थे जियस उनके साथ बैठा करती थी ये गॉडेस ऑफ जस्टिस और यहीं से डिवाइन लॉ की ओरिजिन हुआ है तो ये था हिस्टोरिकल लॉ स्कूल अगले लॉ स्कूल uh, की हम बात करें दैट इज सोशोलॉजिकल स्कूल सोशोलॉजिकल स्कूल कंसिडर करता है सोशल फिनमिना को इसका फाउंडेशन ठीक है इट विजुलाइज लॉ फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द पीपल इन परसेप्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी लोगों का परसेप्शन क्या है उसके बेसिस पर लॉ को डिफाइन करता है सोशोलॉजिकल स्कूल एंड दिस अप्रोच एम्फोसाइज ऑन द बैलेंसिंग द कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट इन सोसाइटी हमारी सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हैं अब सोसाइटी में सब लोगों की अप्रोच या सब लोगों की एक्सपेक्टेशन एक जैसी नहीं होती उन दोनों कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को बैलेंस करने का काम करता है लॉ एज़ पर सोशोलॉजिकल लॉ स्कूल सोशोलॉजिकल स्कूल कंसिडर लॉ एज अ टूल ऑफ सोशल चेंज और इसीलिए सोशोलॉजल स्कूल लॉ को एक टूल ऑफ सोशल चेंज मानता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल इंसिस्ट ऑन द फैक्ट दैट लॉ कंसिस्ट सॉरी एग्जिस्ट फॉर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी और ये लोग क्या कहते हैं कि जो लॉ है ये एग्जिस्ट करता है फॉर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी की नीड्स के लिए एग्जिस्ट करता है द फिलासफी ऑफ सोशलॉजिकल अप्रोच प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सोशल एंड लीगल रिफॉर्मर्स और इससे जो सोशल और लीगल रिफॉर्मर्स हैं उनको एक अपर्चुनिटी मिलती है सोसाइटी में बदलाव लाने की रॉस्को पॉन्ड एन अमेरिकन जूरिस्ट वाज कंसिडर्ड एज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल्स ऑफ जूरिस्ट स्टूडेंट्स फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स इसके अलावा लियोन ड्यूगेट हैं ही वॉज अ फ्रेंच फिलासफर स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बैरडो एंड वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर इन द फैकल्टी ऑफ लॉ एट सी एन एटीन एटी थ्री ड्यूगेट हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन फ्रेंच पब्लिक लॉ ड्यू गट कंसिडर लॉ एज़ अ टूल ऑफ़ एनहेंसिंग सोशल सॉलिडारिटी एंड इन सॉलिडारिटी दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग ऑन वन अदर तो इन्होंने भी वही अब बात हाईलाइट की कि जो लॉ है वो सोशल सॉलिडारिटी को इन्हेंस करता है और सोशल सॉलीडरिटी और इन्हेंसिंग सोशल सोलिडरिटी का क्या मतलब है जो लोगों के बीच में इंट्रैक्शन है इंटरडिपेंडेंस है उसको इन्हेंस करता है लॉ एज पर सोशोलॉजिकल स्कूल इसके अलावा रोडॉल्फ वॉन एयरिंग है जर्मन स्कॉलर ही वॉज ऑल्सो अ प्रपाउंडर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल एंड ही ऑल्सो गेव अ नदर आइडिया अबाउट द लॉज दैट यूटेलिटेरिज्म इज द डेट इज़ एम्फोसाइज्ड ऑन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी मतलब जिस तरह से uh, पहले हमने पढ़ा था बैंथम के बारे में उन्होंने भी यूटेलिटेरियन कॉन्सेप्ट uh, से लॉ को एक्सप्लेन किया था कि गिविंग <coughs> मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम उसी तरह से इन्होंने भी यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया लॉ दैट यूटिलिटी इन द सोसाइटी इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एज पर रोडॉल्फोन एयरिंग इसके बाद युगीन एर्लिक हैं ऑस्ट्रेलियन लीगल स्कॉलर importance of social sciences to understand the law he considered law as a social institution क्रिएट टू सेटिसफाई इंडिविजुअल सोशल वांट्स इन्होंने भी इसको कहा कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमन या इंडिविजुअल की सोशल वांट्स को फुलफिल करने का काम करता है लॉ मोस्ट ऑफ द थिंकर्स और स्कूल आल्सो इम्फोसाइज द फैक्ट दैट लॉ इज अ टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड कंफ्लिक्ट सोशल इंटरेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है <coughs> जितने भी सोशलॉजिकल स्कूल के प्रपाउंडर हैं उन सब ने इसी बात को हाईलाइट किया है मेनली बस थोड़ा बहुत फ़र्क है का वो क्या है कि लॉ क्या है एक सोशल इंजीनियरिंग का लॉ इज़ अ टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड बैलेंसिंग कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट को बैलेंस करने का काम करता है और सोशल इंजीनियरिंग का काम करता है सोसाइटी में चेंज लाने का काम करता है तो रॉस्को पाउंड क्या कहते हैं जो मेन फीचर्स uh, बताते हैं सोशलॉजिकल स्कूल के वो इस तरह से हम इनको समराइज कर सकते हैं नंबर एक इट हाईलाइट द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ लॉ आदर दैन कंटेंट तो सोशोलॉजिकल स्कूल कंटेंट के बारे में बोअर नहीं करता कि लॉ का कंटेंट क्या है राइट right? बल्कि उसके फंक्शंस वो फंक्शन क्या है ब्रिंगिंग सोशल चेंज और सोशल इंजीनियरिंग और बैलेंसिंग द कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट इन द सोसाइटी ये काम करता है लॉ और दूसरी बात उन्होंने कही सोशल लॉ इज सोशल इंस्टीट्यूशन डिजाइन फॉर द सोशल नीड्स हमारी सोसाइटी की नीड्स के लिए काम करता है लॉ एंड टूल टू बैलेंस कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट वो हम बात कर चुके हैं इसके अगेंस्ट भी कुछ क्रिटिसिज्म है सोशियोलॉजिकल स्कूल के अगेंस्ट तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि जो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल सोशल सोलिडारिटी और सोशल इंजीनियरिंग की बात करती हैं ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेग हैं एंड क्रिएट कन्फ्यूजन दूसरी बात मैन एंड सोसाइटी कैन बी कंपेयर विद मशीन्स कहते हैं कि मैन एंड सोसाइटी जो है वो मशीन्स के साथ उनको कंपेयर किया जा सकता है ड्यूरिस्ट लाइक ड्यू गेट ओवर लुक द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट और जिन लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने स्टेट की इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर दिया जो कि पॉसिबल नहीं है वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिफाइड नहीं है वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ लॉ स्टेट गो हैंड इन हैंड सो

तो दैट सेट इन दिस वीडियो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं फीडबैक दें कि और क्या चीज़ें की जा सकती हैं इन वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए ताकि ये और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके और चैनल uh, को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच एंड टेक केयर